एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर करता हुआ मैं हूँ आपका पैरा आपका दुलारा आपकी की तरह एक कॉमन साइंस स्टूडेंट शुभम सुजित्रा। व्हाट इज जर्म मीथ बस्टेड, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है दोस्तों, आपको इसको पूरा देखना है अंत तक। बहुत सारे जो आपको मिथ्स होंगे वो सारे बस्ट हो जाएंगे, आपको सच्चाई से वाकिफ कराने वाला हूँ। वीडियो लंबी रहने वाली है, बहुत लंबी हो सकती है, बहुत ज्यादा चीजों पे मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा, लेकिन हर एक छोटे से छोटी बात को समझाने वाला हूँ और ऑफ टॉपिक भी जाने वाला हूँ दोस्तों, पहले से बता के रख रहा हूँ। तो वीडियो को देखना है तो पूरा ही देखिए, वरना फिर मत ही देखिए। पिछले वीडियो में हमने डर्म के बारे में बात की थी जो कि इससे राइमिंग है, अब यहाँ पे हम आज जर्म के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन जर्म की पढ़ाई हमें करनी क्यों है, हम क्यों जर्म को पढ़ रहे हैं, ये हमारे सामने सवाल उठ कर आ रहा है। तो दोस्तों आंसर ये है कि हमें आगे जाके जर्म लेयर्स के बारे में भी पढ़ाई करनी होगी, और ये जर्म लेयर और जर्म ये सब का कोई मतलब लेना देना है कि नहीं ये हमें जानना है। दूसरी चीज है कि आम आदमी हमेशा कहता है जर्म्स आ गए, ये जर्म्स वो जर्म्स, ये सब तो ये है क्या, हकीकत से वाकिफ कराने वाला हूँ तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। इतनी रिक्वेस्ट तो वैसे मैं कभी करता नहीं हूँ, पर आज जरूर कर रहा हूँ, बीच में से छोड़ोगे तो बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे सर्च में बहुत सारी चीजें आ रही है। पहले तो देखो आपको दिख रहा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख के सबके मन में खुशी आ गई, माइक्रोब्स देख के सबके मन में खुशी आ गई, बैक्टीरिया वायरस ये सब कुछ देख के लोगों के मन में खुशियां जाग रही है, ये सब तो हमें ऑलरेडी पता है, तो वीडियो देखने की जरूरत है ही क्या दोस्तों, वीडियो देखने की जरूरत है अंत में मालूम पड़ेगा, पहले सुनो जरूरत है। नीचे कुछ और भी देखो, एम्ब्रियो बर्ड न्यूक्लियस सीड स्पोर एग ओवम ये सब भी लिखा है, तो वहां पे भी क्यों ये सब का नाम लिया गया है ये सोचो एक बार, समझ रहे हो दोस्तों क्यों ऐसा लिया गया है नाम। स्टार्टिंग लिखा है देखो, स्टार्टिंग पॉइंट जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है टू ग्रो इनटू, एक्चुअली मतलब होता है ग्रोथ की स्टार्ट करना, तो ये सब यहाँ पे मतलब लिखे है, तो ऐसा क्यों किया है, क्या डिफरेंस है। और मैंने थोड़ी देर पहले जर्म लेयर की बात की थी, तो वहां पे वो जर्म लेयर में भी जर्म क्यों शब्द यूज किया गया है, उस जर्म में क्या कीटाणु है, मतलब कि माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ऐसा कुछ है क्या, ये आज हमारा सवाल है, ठीक है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अब सवाल उठता है कि ये शब्द आया कहाँ से, जर्म ये शब्द आया है लैटिन जर्मन लैंग्वेज से, समझ रहे हो दोस्तों, मीनिंग स्प्राउट बर्ड ऑफशूट ये सब इसके मतलब है, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ये सब शब्दों को क्यों लिया गया है उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अब थोड़ी देर के बाद। जर्म रिटेन्स द आइडिया ऑफ डेवलपिंग इनटू समथिंग मोर मैच्योर, अब यहाँ पे एक्चुअली बेसिक जो इसके रूट कॉज है कहाँ से ये शब्द आ रहे हैं वो है मैच्योर बनना है, आगे जाके उसे और मैच्योर बनना है, बट उसके लिए स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा कहीं, मतलब अगर आपको ग्रोथ करके मैच्योर बनना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट तो करना पड़ेगा, तो बेसिकली वही चीज को लैटिन और जर्मन में कहा जाता है जर्म, जो कि दिखाता है कि ग्रोथ होगी तो ही तो यार आप मैच्योर बनोगे, वैसी बात है। जर्म का मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसी चीज जहां से कोई और चीज की ग्रोथ स्टार्ट होती है उसे हम कहेंगे जर्म, स्प्राउट बर्ड ऑफशूट ये जो चीजें है ये सब एक प्रकार के जर्म्स ही है, अब आप देखिएगा आगे जाके मैं समझाने वाला हूँ। तो अब देखिए स्प्राउट क्या है, स्प्राउट इज अ स्मॉल ग्रोथ ऑन प्लांट, तो ये ग्रोथ होती है प्लांट की जो कि इनिशियल स्टेज होता है एकदम स्टार्टिंग, इसलिए देखो मैंने वो सब शब्द यूज किए थे, ग्रोथ की स्टार्टिंग होना, बेसिकली ग्रोथ की स्टार्टिंग होना मतलब ग्रोथ करने का भी चालू करना, इनिशियल स्टेज एकदम इनिशियल। अब ये एग्जांपल लीजिए बर्ड का, देखिए बर्ड से ग्रोथ होती है फ्लावर की, तो ये भी एक प्रकार से स्टार्ट है, शुरुआत है, समझ रहे हो, बॉटनी के अंदर इसे यूज किया जाता है बर्ड ये टर्म में, ठीक है, हम बोलते हैं फ्लावर बर्ड वही होता है, देखो फ्लावर बर्ड प्लांट बर्ड कुछ भी बोलो सब कुछ सेम है स्टार्टिंग। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का, तो हाइड्रा में भी वैसे ही होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं बर्ड, तो वहां से क्या होगा एक नए हाइड्रा के लिए वो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ की स्टार्टिंग है, इनिशियल फेज है, अब उसकी ग्रोथ होगी तो वो जाके एक नया हाइड्रा बन जाएगा, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होती है ना इसे बडिंग कहते हैं, बडिंग प्रोसेस होने के बाद एक पेरेंट हाइड्रा में से नया हाइड्रा जो होता है डॉटर हाइड्रा वो आ जाता है। अब तीसरा शब्द ऑफशूट, ऑफशूट क्या है, तो दोस्तों ऑफशूट जो है वो होता है लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ या फिर स्प्राउट, जो भी देखो आपके सामने सब मीनिंग रखा हुआ है आप समझ सकते हो, बॉटनी में ये वर्ड को यूज किया जाता है ऑफशूट, ये एक्चुअली में साइड हीरो है, मेन हीरो जो होता है वो हमारा क्या होता है जो ट्रंक होता है, जो मेन हीरो होता है वो हमारा ट्रंक होता है और उसमें से ये साइड हीरो निकल के आता है ऑफशूट, ठीक है। दूसरा, अब मैं इमेज को थोड़ा जूम करता हूं,
लेकिन इतना आपके लिए काफी नहीं होगा। थोड़ा और जूम करते हैं, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए ट्रंक के नीचे देखिए साइड में और एक ट्रंक निकल रहा है ऐसे, है ना, तो उसे हम ऑफ शूट कहते हैं। तो जो बात मैंने पहले कही थी अब हमने उसे साबित कर दिया कि ग्रोथ की इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग उसे हम जर्म से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाट इज साइंटिफिक नेम फॉर जर्म। माइक्रो शॉर्टनिंग एंड अल्टरनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक प्रीफिक्स माइक्रो जिसका मतलब होता है स्मॉल एंड द वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ। साइंटिस्ट नो लॉन्गर यूज द टर्म जर्म एंड माइक्रोब वेरी मच, ठीक है, तो अब वो लोग यूज करती टर्म करते हैं माइक्रोब, समझ में आ रहे हो, या फिर जर्म, ऐसे टर्म्स को वो लोगों ने यूज करना बंद कर दिया है। Nowadays they can usually identify the specific agents of disease. मतलब अब कहना ये चाहते हैं कि आज की मतलब आपको तो पता ही है साइंस अभी इतना आगे निकल गया है कि अभी साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि वो बैक्टीरिया की वजह से होता हुआ डिजीज है या फिर वायरस की वजह से होता हुआ डिजीज है, तो ये अच्छे से मालूम पड़ जाता है। अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब सेम है, तो जी हाँ दोस्तों वो दोनों सेम है। उसके 7 प्रकार है, बैक्टीरिया, फंगाई, आर्चिया, अल्गे, प्रोटीज एंड वायरसेस एंड मल्टी सेलुलर एनिमल पैरासाइट्स जिसे हम हेलिमेंट्स भी कहते हैं आर अमोंग द अर्लिएस्ट नोन लाइफ फॉर्म्स। मतलब वो बहुत पहले आए थे इंसानों से और बाकी के भी जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनसे पहले आए थे, क्योंकि लाइफ पहले सिंपल थी, आगे आगे जाते हुए डिफिकल्ट हुई, यही हम एवोल्यूशन में सीखते हैं। डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी एवोल्यूशन वैसे ही हुआ था, पहले मल्टी सेलुलर नहीं थे, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, धीरे धीरे मल्टी सेलुलरिटी ने और मतलब अपना पार्ट आ गया उसका, समझ रहे हो ना, इवॉल्व हो गया। वैसे आगे बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज के बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो। वो नाइट्रोजन साइकिल चलाते हैं, कंप्लीट करते हैं, अगर नाइट्रोजन साइकिल रुक गई अटक गई तो वो बहुत सारे पंगे हो सकते हैं। मोटरसाइकिल बचपन से आपने पढ़ी है, वैसे ही सिमिलर प्रकार की होती है नाइट्रोजन साइकिल। अगर वीडियो अपने चैनल पे बन गया होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगी, बन गया होगा तो, नहीं बना होगा तो वेट करना पड़ेगा। पैथोजेनिक और हार्मफुल होते है वो माइक्रोब्स हमारे लिए बुरे होते हैं। दोस्तों माइक्रोब्स दोनों प्रकार के होते हैं, देखो इनके नाम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये वर्ड यूज किया गया है, मतलब ये बहुत 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 छोटे हैं, ठीक है, नेकेड आई से देखना मोस्टली तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी कभी पॉसिबल हो भी पाता है बट बहुत रेयर केसेस में, सो डोंट जज इट, ओके। अदरवाइज माइक्रो नाम यूज किया है डेफिनेटली माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखना है। वैसे माइक्रोब्स दोनों प्रकार के हैं, अच्छे भी है और बुरे भी है। अच्छों वालों का हम यूज कर रहे हैं जैसे कि ढोकला बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए और भी बहुत सारी जगहों में हम यूज करते हैं, इडली डोसा वो सब बनाने के लिए। लेकिन जो ये हार्मफुल है वो उसका कोई यूज नहीं है, वो हमें डिजीज क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, ठीक है, वैसे वो है। और एक यूज होता है गटर का पानी जो रहता है ना उसे साफ करना हो, सीवेज वाटर को अगर साफ करना हो तो भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। और ओके, और एक चैप्टर भी है उसके अंदर आप सीखोगे ये सब चीजें, उसके चैप्टर का नाम क्या होता है, उस चैप्टर का नाम होता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ऐसा कुछ तो नाम होता है, वही आपको पढ़ना है, ठीक है, आगे जाके जब आप 11th 12th करते हैं तब की बात है वो तो यार। तो सवाल ये आता है कि मैक्सिमम जर्म लेयर्स कितनी होती है, तो मैक्सिमम जर्म लेयर्स 3 होती है, मिनिमम 1 होती है, डेफिनेटली 1 जर्म लेयर तो होगी तभी तो हम उसे मिनिमम कहेंगे। अब इसके ऊपर से जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे ब्लास्टिक ऐसे डिसाइड किया जाता है, अगर एक लेयर है तो उसे मोनोब्लास्टिक कहते हैं, 2 लेयर हो तो उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, 3 लेयर हो तो उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। किसकी लेयर, जर्म लेयर्स। अब जर्म लेयर्स मतलब वहां पे वो जो सेल्स होंगे उसमें से पूरी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी, मतलब वो जो एनिमल हो उसकी जो बॉडी होगी वो बनेगी, समझ रहे हो, तो वो 3 लेयर्स हो सकती है। अब वो तीनों के बारे में हम बात करेंगे, इसीलिए एक्चुअली मैंने टॉपिक को बहुत लंबा खींचा। मैंने स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश करी कि जर्म क्यों कह रहे हैं, जर्म ये शब्द क्यों यूज़ किया गया है, बिकॉज बर्थ दे रहा है, बर्थ को स्टार्ट करवा रहा है, और डेफिनेटली बर्थ ये शब्द ही ऐसा है, समझ रहे हो कि नहीं, बर्थ मतलब जन्म, कभी भी स्टार्ट ही होता है और डेफिनेटली स्टार्ट ही होता है, दैट्स नॉट एंड, समझ रहे हो, या फिर दैट्स नॉट मिडल पोर्शन, मतलब आप समझ ही रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वैसे ही होता है। तो मैक्सिमम जर्म लेयर्स 3 है, मिनिमम 1 है और बीच में तो 2 हो सकती है, वो सबको पता ही है। वो 3 जर्म लेयर्स कौन सी है, तो वो 3 जर्म लेयर्स है आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। अब यहाँ पे आप देखो प्राइमरी ये वर्ड यूज किया गया है, प्राइमरी जर्म लेयर्स। अब ये देखो प्राइमरी कहा है, मतलब
पहले तो ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होती होगी और उसके बाद में प्राइमरी है वैसे सेकेंडरी भी होगा, जैसे प्राइमरी स्कूल होती है तो सेकेंडरी स्कूल होती है, प्राइमरी ग्रोथ होगी तो वैसे सेकेंडरी ग्रोथ होनी जरूरी होगी, तो वैसे इसलिए वो लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी वर्ड लिखा है, कॉमन सेंस यूज करना है, कम ऑन दोस्तों, ठीक है, कॉमन सेंस यूज करना है। अब और एक सवाल है कि कौन सी जर्म लेयर सबसे पहले डेवलप होती है, तो उसका आंसर है एंडोडर्म। अब बस ये आंसर को इधर तक याद कर लो फैक्ट की तरह, आगे मैं इसे अभी नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर मैं फुल फ्लेज में एक नया वीडियो बना दूंगा, तब समझ लेना इस चीज को। आज के लिए इतना ही रहने दो कि पहली जर्म लेयर जो डेवलप होती है उसका नाम होता है एंडोडर्म, जो कि होती है अंदर वाली लेयर। तो अब हम मोरल ऑफ द स्टोरी निकालते हैं, हमने क्या चीज़ें सीखी, हमने दो चीज़ें सीखी कि जर्म के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि 7 प्रकार के थे, आपकी स्क्रीन पे आपको सब दिख रहा है, और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि वो होता है पार्ट जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है, समझ में आ रहा है, वो जहाँ से बर्थ स्टार्ट होती है वही चीज़ है। तो बस वो तीन लेयर्स के नाम सीखे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीन जर्म लेयर्स है, ठीक है। तो वो लेयर्स किसकी है, सेल्स की लेयर्स है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। वहां के सेल्स जो है वो कोई ना कोई प्रकार के ऑर्गन को बनाएंगे या फिर कुछ बॉडी के पार्ट्स बनाएंगे, समझ रहे हो, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, ये सब समझ रहे हो ना, सिमिलर प्रकार की चीजें हो सकती है। देखो मैं उसको भी कॉम्प्लिकेटेड वे में समझा सकता हूँ, बट अभी उसको नहीं रखते हैं, उसके लिए बाद में अपन फुल फ्लेज में एक वीडियो और बना देंगे, तो उसमें अच्छे से समझ लेना चीजों को, ठीक है। अगर मैं अपने आपको पहले खुद मिल गया होता था तो लाइफ कुछ अलग ही होती थी, मतलब कहना ये चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस अगर मुझे पहले मिल गई होती तो बहुत ही अच्छा हो सकता था, मैंने बहुत स्ट्रगल करके सीखी ये चीजें। मैं नहीं चाहता हूँ कि भारत के बच्चे, हमारे भारत के बच्चे इजी चीजों को सीखने के लिए फालतू की फोकट की स्ट्रगल करें। तो दोस्तों मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में, टिल देन इट्स मी शुभम सुजित्रा साइनिंग ऑफ, रीड बिफोर यू नीड, इफ यू डोंट रीड यू डोंट गो हाई, यू सी एस एस लिटिल आइज़।